आज हम करेंगे दशमलव का भाग। एक तो होता है नॉर्मल भाग। नॉर्मल भाग मतलब अगर हम ये बोल लें कि भाई 56 अपॉन 7 तो कितना आंसर है इसका? 56 कितना आंसर है? 8। 7 का भाग 56 में ही तो देना है, यही तो है। अब हम थोड़ी देर के लिए बोलें कि हमने क्या करना है भाई, हमने 56 अपॉन कर दिया 0.7, ठीक है। अब दशमलव आ गया, अब दशमलव का भाग हो गया ये। अब भी क्या आंसर 8 ही आएगा या कुछ अलग आएगा? अलग आएगा, क्योंकि 7 तो है बहुत बड़ी संख्या और 0.7 है बहुत ही छोटी संख्या। 0.7 मतलब ये 1 से भी छोटी संख्या है, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, जो ये पॉइंट वाला है इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, इस दशमलव को यहाँ से हटाना है, क्लियर है। अब इस दशमलव को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, और जितनी संख्या से हम इसको गुणा करेंगे नीचे वाले को, उतनी संख्या से ऊपर वाले को भी गुणा करेंगे। अब देखो 0.7 है, इसका मतलब इसका इसको किस संख्या से गुणा किया जाए, क्योंकि हमने गुणा पहले सीख लिया है, ठीक है। इसको किस संख्या से गुणा किया जाए कि इसका दशमलव उड़ जाए? 10 से। इंटू 10 मतलब दशमलव के आगे जितनी भी संख्याएं हैं उसका उतने जीरो बढ़ा देने, उस संख्या से गुणा कर देना है। अगर यहाँ पर 07 होता तो 100 से कर देते, 007 होता तो 100 से कर, 1000 से कर देते, क्लियर है। जितने से नीचे उतने से ही ऊपर। अब बताओ कितना आएगा ये, ऊपर वाला कितना हो गया? 50। किसी भी संख्या को 10 से गुणा करने के लिए उसके आगे जीरो ही तो बढ़ता है, और नीचे कितना हो गया? 7। अब 560 में दे दो 7 का भाग, कितनी बार जाएगा बताओ? 56। 0 0 0 में तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो कितना आ गया आंसर? 80। एक और करें। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक संख्या है ये 27.2, इसमें भाग देना है हमने 1.8 से, या हमने 21.70 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो एक अंक पे दशमलव यहाँ है और दो अंकों पे दशमलव यहाँ है। सबसे पहले हम किसको हटाएंगे? नीचे वाले को, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आपको छोटे वाले को, जहाँ पर दशमलव के आगे कम संख्याएं हो उसको हटाना है। किससे गुणा करना पड़ेगा? इसको दस से करो। 27.20 × 10 / 1.8 × 10 कि ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? नीचे वाला 1.8। ये जीरो से हट जाएगा ना, इसीलिए तो हमने 10 से गुणा किया था। अब देखो मैंने इसमें क्या बताया था, इसमें दशमलव कहाँ खिसक जाएगा? पीछे, एक आगे खिसक जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा ये? 272.0। अब देखो पॉइंट के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हमारा काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना हमको। 272/18 हो गया बस, क्लियर है। yes, भाग दो 18 का भाग 272 में, दो 18 18 है 18 अरे 27 में दोगे ना? 18 हाँ 18 बन जा 18 9 बचा 2 2 अब दो कितने बार जाएगा? 18 5 जा 90। अब 2, अब क्योंकि हमारे पास जो भाग था वो दशमलव में था, इसलिए हम इसको दशमलव में भी निकाल सकते हैं। दशमलव में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दशमलव लगेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब दो 20 1 1 फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 1 1 आता रहेगा ये, ठीक है। यस सर, 15.11 हो गया आंसर, क्लियर है। यस सर, एक और करके देखें। यस सर, हमने बोला भाई 2213.56 और नीचे है हमारे पास 0.21, ठीक है। अब देखो दशमलव के आगे यहाँ भी उतनी संख्याएं हैं, यहाँ भी उतनी संख्याएं हैं, मतलब हमको एक ही संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो इसको दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। किस संख्या से गुणा करें इसे? 100। वेरी गुड, क्योंकि दशमलव के आगे दो संख्याएं हैं, तो 200 से गुणा किया हमने, तो इसकी इसका दशमलव दो संख्या आगे यहाँ खिसक जाएगा, और इसके भी यहाँ खिसक जाएगा, नीचे भी 21 हो जाएगा। बस गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 100 से गुणा कर दिया हमने, ठीक है। अब 21 का भाग देना है इसमें, 21 का भाग तो दे सकते हो। 21 का भाग दिया हमने 2135 सर, एक कम। अब 3 उतरा, अब क्या होगा? 0 0 उतरेगा पहले, हाँ, फिर 5, फिर एक ही बार जाएगा 4, 6 उतरेगा। अब दो कितनी बार जाएगा देखो जरा, दिमाग लगाओ। सर 7
तो सात एकम सात, सात दुने चौदह, बड़ा हो रहा है, छः बढ़ जाएगा, छः एकम छः और छः दुने बारह, जीरो टू फिर जीरो बढ़ेगा, ठीक है, दशमलव लगेगा। अब नौ बार भाग जाएगा सीधे, नौ एकम नौ और नौ दुने अठारह, ऐसे कर सकते हो आप तो आगे, क्लियर है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप भाग दे रहे हो तो जो ये शेष आता है ये हमेशा इस संख्या से छोटा होना चाहिए। अगर ये इस संख्या से बड़ा हो गया इसका मतलब हमारा भाग वहीं गलत हो गया है, तुरंत वहीं पर पता चल जाना चाहिए हमको, ठीक है। ये जो शेष है हमेशा इस संख्या से छोटा होना चाहिए, क्लियर है। कितना आ गया इसका आंसर, 1016.99, कर लोगे, क्लियर है। यस सर।